आज वो 9 बजे चीफ मिनिस्टर श्री येडियुरप्पा जी की रिहाइश गाह पर मैं मुलाकात किया। मेरे सामने डायरेक्टर ऑफ फाइन आर्टिस्ट महबूब साहब थे और हमारे KMDC चेयरमैन प्रधान साहब के साथ मुख्तार प्रधान। तो हमने आज उनसे इसरार किया कि आप जो है 2021-22 का बजट पेश करने वाले हैं। बजट में बहुत ही जो है कटौती हो चुकी है, जिसकी वजह जिससे क्या है बोले तो जो स्कीमें आप जो है माइनॉरिटी डायरेक्टर्स की तरफ से या KMDC की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको फुलफिल नहीं कर सक रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा 2140 पर 5 करोड़ का बजट जो है 2017 और 2018 में था और 2020 और 2021 में बजट की कटौती होकर 650.3 करोड़ का बजट हुआ है। ये 650.3 करोड़ के अंदर जो है जितने भी अकालियों के खिलाफ बेहूदी की स्कीमें हैं वो हमने मुकम्मल नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने बजट में इजाफे की मांग की है। कहाँ तक? और दूसरा जो है हमारे पास पूरे 20 सीट छोड़ देगी, तो हमारे पास टोटल 20 हेड ऑफ द अकाउंट्स थे। अब उसमें लास्ट टाइम कोविड की वजह से और जो है फ्लड की वजह से सरकार को 8 महीने कोई तरह का रेवेन्यू नहीं मिला, इसलिए 10 हेड ऑफ द अकाउंट्स को जो है विथल किया गया है। हमने उनसे इसरार किया कि ये स्कीमों को तुम जारी रखना है, अगर जिंदा रहना है तो जो है वहाँ पे फंड्स देना ज़रूरी है। अगर फंड्स नहीं देंगे तो ये स्कीम ख़त्म हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइम फिर उसको कैबिनेट में लाना है, फिर नए स्कीम्स अनाउंस करना है, सारी चीज़ें। तो इसलिए हमने कहा कि ये स्कीमों को आप जिंदा रखो और इनको फंड दो। और सबसे ज़्यादा हमने इसरार किया कि जो है ये अरिवु स्कीम जहाँ प्रोफेशनल स्कूल्स का स्टूडेंट्स को कर्जा दिया जाता है सर, और हमने कहा कि जो है इस स्कीम में किसी सूरत में भी फंड्स को कम नहीं करना चाहिए। तो उसके साथ साथ फॉरेन स्कॉलरशिप आए, हमारे बच्चे फॉरेन को जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद में उनकी मांग भी ज़्यादा होती है, उनका स्टेटस भी बढ़ता है और वहाँ जा कर देख कर आने के बाद में कल्चरली टेक्निकली साइंटिफिकली द स्टूडेंट्स विल बी वेरी परफेक्ट एंड और वो है जो है अच्छा खासा जॉब मिलेगा जिससे जो है उनकी फैमिली को भी वो एजुकेशन दे सकते हैं, उनकी तरफ भी काम कर सकते हैं। मैंने हमारे पास ना कोई तरह का रेवेन्यू नहीं मिला, सारे बिजनेस इस्टाब्लिशमेंट बंद थे, सब रजिस्ट्रार्स बंद थे, सब रजिस्ट्रार ऑफिस और जो है ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें बनते जिससे सरकार को जो रकम मिलनी थी या रेवेन्यू नहीं मिल सकी। तो इंशाल्लाह हम जो है पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो स्कीम्स जो है लास्ट टाइम डिजल थे उन स्कीमों को भी जिंदा रखने की पूरी कोशिश करेंगे। येडियुरप्पा जी के सरकार में उनके नेतृत्व के सरकार के अंदर हमें जो अभी लास्ट ईयर जो कोविड के वजह से कम हुआ था बजट, बजट कम हो गया था सो उसके अलावा हम लोग अभी बाकी का हमारे पास जितना अभी बाकी का फंड था वो लेके भी हम लोग उसे यूसेज कर ले रहे हैं। हालांकि अभी इस बार का खाली हमने एजुकेशन के लिए सिर्फ स्पेशली 160-170 करोड़ चाहिए, तो वो हमने उनको बताया है कि उनको सभी बोला है कि एजुकेशन जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हमको उनके लिए दे चुके हैं हमें, अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर नहीं दिए तो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, तो ये काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार की तरफ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे करके हम लोग 380 करोड़ रुपये सरकार 380 करोड़ हमारे लिए चाहिए, लगभग 300 दिए तो भी हमको चलता है, लेकिन फिर भी हम लोग 350-380 करोड़ हमने मांगा है। देखेंगे क्योंकि कोविड की वजह से रेवेन्यू भी कम हुआ है, फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बजट सर ज़्यादा मिले, हमें ये दिन नंबर सोच रहे हैं। सो जो भी मिलेगा वो सही लोगों को सही वक्त पे मिलने के मन में वहाँ देने की कोशिश करेंगे। वजह से तो हम लोग क्या है ये बार का CET NEET से हम लोग दे चुके हैं पैसा,
और इसी के वजह से हालांकि गरीब लोग बहुत थे बोल के हम लोग क्या सोचे कि उनके लिए खास करके COVID-19 बोल के हम लोग माइक्रो लोन सारा फैसिलिटीज किए 10,000 रुपये का, वो लगा के अभी तक उसमें अभी तकरीबन हम लोग 23,000 का हमारा टारगेट था, थोड़ा कम करके वो 19,000 तक हो रहा है टारगेट। तो 19,000 का लोगों के लिए हम लोग 10,000 रुपये देने का अभी सब कुछ रेडी है, सिर्फ अभी खुरा करना है, देना है बस, इतने तक लास्ट स्टेज तक लगा के रखे हैं, कर रहे हैं हम क्योंकि और इसके अलावा अभी एक मेरे ख्याल से ये हफ्ता या नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट हफ्ते के अंदर हो जाता है क्योंकि वो सो भी उनका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करके हम कंप्यूटर में फिट कर लेंगे, सब कुछ काम हो चुका है, आपको सब फाइनल टच पे आ चुका है, वो हो जाएगा ये वीक और नेक्स्ट वीक। और बाद में इसके अलावा तुमना बोलना बोले तो हमें कभी भी आने वाले होंगे पीछे होंगे, हम लोग एजुकेशन के लिए हम कभी भी नहीं बोल के नहीं बोले सर, CETC जो सैंक्शन लिए थे उनको दिए, और इसके अलावा हम लोग रिकवरी का भी हम लोग अभियान रख चुके हैं क्योंकि जो ताकतवर है वो भी अगर सर रिकवरी में दे तो बाकी वाले बच्चों को भी हम दे सकते हैं क्योंकि इट्स अ रिटर्नेबल फंड।